आ जाता हो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो और या फिर आपकी आंखों में जलन होती हो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो या आपकी आंखों को हवा ना शेहन होती हो यानी कि आपकी आंखों के सामने जब हवा आके टकराती है वो ना शेहन होती हो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो या फिर लाइट के सामने ना देख पा रहे हो आप उसमें भी आप इसको डाल सकते हो और इसी के साथ साथ यदि आपकी आंखों में हवा लगने से चिपचिपाट महसूस होता हो आपने कई बार देखा होगा यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप हवा का सामना कर रहे हैं और आपकी आंख चिप हो गई है, है, यदि आपको ये दिक्कत है, तो आप उसमें भी को डाल सकते हो। और इसी के साथ साथ आँखों में हवा लगने से आ जाती है, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो या फिर आँखों से पानी आना उसमें भी आप इसको डाल सकते हो यदि आपको लाइट से आंखों में जलन होना यानी कि एक तो लाइट के सामने से आप जब जाते हो आपकी आंखों पर जोर पड़ता है एक वो दिक्कत हो गई एक ये दिक्कत हो गई यदि आप लाइट को देखते हो आपकी आंखों में जलन महसूस होती हो कि वाली दिक्कत हो गई इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप इस ड्रॉप को डाल सकते हो या किसी भी प्रकार की अन्य डिस्प्ले वाली चीज़ को देख कर आँखों में पानी आना सूखापन आना तो दोस्तों इसमें भी आप इसको डाल सकते हो और इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आप कंप्यूटर पर काम करते हो ज़्यादातर या फ़ोन चलाते हो फोन का यूज करते हो या किसी लाइट का काम करते हो यदि किसी भी प्रकार की अन्य डिस्प्ले वाली चीज को देखकर आपकी आंखों में पानी आना उसमें आप इस ड्रॉप को डाल सकते हो और यह समस्या ज्यादातर तब होती है जब व्यक्ति लंबे समय तक बाइक चलाते हैं फोन लैपटॉप कंप्यूटर टी या किसी भी अन्य प्रकार की डिस्प्ले लाइट को यूज कर ले या लंबे समय तक रोशनी में काम कर ले तो इन सभी कारणों में यह प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप इस ड्रॉप को यूज कर सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस ड्रॉप के डोजेज कैसे और कहाँ डालनी चाहिए दोस्तों इस आई ड्रॉप को आंखों में लाने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो ले और यह निश्चित कर ले कि आपकी जो आई ड्रॉप की नोब है ऊपर जो टिप है उसको आप टच ना करें यदि आप उसको टच करोगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा और जिस व्यक्ति की आंखों में इसे डालना है तो उसकी गर्दन ऊपर करे या फिर उस व्यक्ति को लेटा दे और आँखों को नीचे से पकड़ पूरा खोले और इस ड्रॉप को आँखों में डाले और फिर कम से कम उसकी आंखें दो से तीन मिनट तक बंद रखें जिससे कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके इस आई ड्रॉप को आप दिन में दो से तीन बार भी डाल सकते हो या दो दो बूंद एक बार भी डाल सकते हो और इसके अलावा जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे यानी जितनी आपको डालने को बताए उस प्रकार भी आप इसको डाल सकते हो और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है किसी भी प्रकार की आई ड्रॉप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लानी चाहिए क्यूँ क्योंकि आंखें हैं तो रोशनी है जान है तो जहा है वरना सब सम मिट्टी समान है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में वैसे तो खासकर इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है फिर भी अगर देखने को मिले हैं सामान्य तौर पर तो दोस्तों ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं सर में चकरा होना अचानक से आंखों में जलन महसूस होना अचानक से आंखों के सामने जनजनाट से महसूस होना वैसे किसी में भी ये दिक्कत नहीं पाई जाती है कुछ कुछ व्यक्तियों में दिक्कत पाई जाती है यदि आप भी कुछ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है और आपने इस आईड्रॉप को यूज कर ली है आपको दिक्कत हो रही है तो घबराए नहीं तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए तो दोस्तों थी टी आर वी एस आईड्रोप की गए दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू धन्यवाद